हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जिम से नहीं, सीधा जलेबी से। जलेबी लेने के लिए आए हुए हम। मीठी मीठी चीज़ें, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है रोड पे, तो मीठी चीज़ें खाने आए अपने मीठे दोस्त के साथ। भाई मेरे पास समोसे, मैं समोसे खाऊंगा। हाँ, जलेबी नहीं खाएगा, करके नहीं खाऊंगा, ब्लॉग बंद करने के बाद खाएगा। और गाइस, मीठा इतना खाओ लाइफ में जितना आप झेल सको, क्योंकि मीठे तो वो भी वो लोग होते हैं जो आपके साथ स्टार्टिंग में सगे बनने की कोशिश करते हैं, बाद में वो आपको एकदम से खट्टा करके चले जाते हैं। तो गाइस, जलेबी ले आए हम, जलेबी खा लो मम्मी। अंधेरा हो रहा है, मैं सो रही थी। हेलो, व्हाट इज, हम जलेबी खाओगी? हम जलेबी भाई, दे ज्यादा फ्रैंक हो रहा है आजकल, बाहर चलाते सीधा निकलते हैं। अरे अरे भाई, सुबी भाई आए हैं बहुत दिनों के बाद। सुबी भाई और इनका मेल मिलाप चल रहा है। अच्छा, चलो तुम मिलो मिलो, कम से कम ये लॉयल तो याद रखता है। समोसे है ना सुबी? हाँ भाई, वो तो है। नमस्ते नमस्ते। अरे आंटी, आप इधर आओ यार, हटो थोड़ा सा। जलेबी खाओगी ऐसे? तुम सारे बाल उड़ जाएंगे, तो वैसे तुम्हारे 1.5 लाख दिन के बाल उड़ते हैं। तोड़वा दिया सारा चश्मा, बदतमीज कहीं का। मत दिखा मेरे को, सुन लेगा गाली फिर मेरे से। आप गाली देते कब है बताओ आप पहले तो। अरे मेरी माँ के मुँह से गाली सुनी आज तक जिंदगी में? कभी गाली दो आज, दे दो आज कैमरे पे गाली दो आज। मम्मी का चश्मा बिल्कुल चला जा, तूने मेरा चश्मा। मम्मी को एक दिन गोल्ड का चश्मा दिलाएंगे, प्रॉमिस है, पक्की बात है। गोल्ड का लेंगे चश्मा एस्टन टूर में कमा करके, ठीक है? जुबान है ना, गोल्ड के चश्मे से भी वही दिखना है। पहले इसको तो ठीक करा दे। फिलहाल इसका नंबर बताओ भी जाते। तूने इस पे खुदवाया क्यों? अरे वो खुद है, उसको बोलो ना। तूने इसको गोदी में उठाया था, तोड़ के रख दिया, बदतमीज। सेल्फी लेकर नया दिलवाता इसकी तो वो चश्मा, वो भी टूट गए शीशे लेंस। अरे फ्रेम टूटे हैं मेरे तो, वो लग रही है। मैं तो सोची कि अब तो मेरे को जाना पड़ेगा शॉप पे, जिम जाता है स्टन, मतलब इससे पता चल गया है। थिंगा ब्लैथ, वो कौन सा गाना चल रहा है, वो नया नया देसी मुंडे, समझ गया बोलना गाना। हेलो एस्टन, हेलो मम्मी। पागल मत बन, मेरे को आ रहा है गुस्सा, बदतमीज कहीं का। गया चश्मा, चलो रेस्ट इन पीस। मैं सोची कि ऊपर से डंडी टूटी है, नया दिलाएंगे प्रॉमिस है, ठीक है? उसमें अंडे भी गिरे हुए हैं। तो गाइस, अभी हम नहा धोकर के रेडी हो चुके हैं मम्मी का चश्मा तोड़ने के बाद। आई मीन मैंने नहीं तोड़ा, वो टूट गया। तो गाइस, अभी मैंने पहनी अपनी नई टी शर्ट, ये गोकू है, आई थिंक ये गोकू ही है, काफी प्यारी टी शर्ट पहनी मैंने, ऑर्डर करी थी। बाय अश्विन जी, बाय गोकू, चलो बाय बाय, चलते हैं। हाँ, प्रसाद ले आएंगे, बाकी मम्मी अभी परेशान है, बिना चश्मे के कैसे रहेगा काम। अपना शेकर उठाते हैं, थोड़ा काम धंधे पे जाते हैं ना। चलो मैं, बाय बाय, चलो बंदे आते मारी, राम राम नहीं है, ठीक है। ये रुकेगा आज? तू रुकेगा? पता नहीं सुगत को, अभी उसको अपनी जिंदगी के फैसले लेने नहीं आते। इसको जिस दिन अपनी जिंदगी के फैसले लेने आ जाएंगे, अमीर हो जाएगा उस दिन। ये बता दियो भाई, रुकेगा तो खाना बना देंगे, कुछ राजमा चावल बने ऊपर, रुक जाएंगे फिर तो राजमा चावल। इसने गाइस ये टी शर्ट नहीं पहनी, वो है बेकार बंदा। आई मीन बहुत अच्छी टी शर्ट है यार, बहुत सोनी टी शर्ट है यार। एक तो मैं आईफोन की कैमरा क्वालिटी से परेशान हूँ, नया आ रहा है, सोच रहा हूँ कि नया सुबी की किडनी बेच करके एक नया ले लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल और किडनी तो चला गया है, पहले हम ऑलरेडी खर्चों में आ गए हैं, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ पहले या लूँ या फिर इस बार कैमरे पर इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि कैमरा मैंने पहले लिया था बट आया नहीं चलाना, तो उससे हमने सेल कर दिया था। तो कैमरा सोच रहा हूँ मैं आईफोन, मेरे को कमेंट करके बताना कि कैमरा लूँ या आईफोन लूँ, मैं सारे टाइम ब्लॉग कर लूँगा, जुबान है मेरी उससे, जिस जगह नहीं हो पाएगा उस जगह इससे करूँगा यार। ये देखो ना क्वालिटी कितनी भद्दी कर देता है यार, ये परेशान हो जाता हूँ मैं इससे यार। देखो लाइट आएगी ना, हाय हाय हाय, अब से हुए। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, हमारा नॉर्मल ब्लॉग बन रहा था, डे टू डे लाइफ वाला ब्लॉग, हम किसी को सरप्राइज करने वाले थे उस ब्लॉग में, बट ठीक है, बीच में बीटी आ जाती है लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है गाइस, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा फाइनल रिप्लाई देने का सिर्फ यही मोटिव था। मैं यहाँ पर ना इंस्टाग्राम की लाइव अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार एक सवाल को रिपीट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे लाइक और व्यूज किसी और के नाम पर नहीं चाहिए, ना मैं कोई सिंपैथी गेन करने के लिए आया हूँ, मेरे जो इमोशंस थे मैं एक्सप्रेस करने आया, क्योंकि मेरा पिछले 3 महीने से डीएम सेक्शन पूरा भरा हुआ था कि अनमोल भाई कहाँ हो, जो तुम पहले महीने की 12 वीडियोस डालते थे, अब तुम एक वीडियो डाल रहे हो, 2 वीडियो डाल रहे हो, तुम हो कहाँ पर, तुम्हें हो क्या गया। जो लोग मुझे पर्सनली मिलते हैं रोड पर, कहीं भी शॉप पर, कहीं भी किसी भी स्टोर पर, वो पूछते हैं भाई क्या हो गया, एकदम से ऊपर से लेकर नीचे तक कहाँ से क्या हो गया। मैं सिर्फ अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैंने कितनी वीडियो तो मोनेटाइज भी नहीं करी, ये देख लो येलो डॉलर यहाँ पर लगा दिया होगा मैंने, मेरी वीडियो पे येलो डॉलर भी है, मैं गाना लगा करके वीडियो डालता हूँ भाई, मैं पैसे कमाने के लिए सिंपथी नहीं ले रहा, सिंपथी बंदे वो लेते हैं जिनको पैसा कमाना होता है, फेम कमाना होता है, बस इतना बोलूँ, सिंपथी वो लोग लेते हैं, मैं नहीं ले रहा। और सेकंड चीज़ भाई, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा,
मैं बाहर हूँ इन सब चीजों से। और अगर रही बात टारगेट करने की, तो एक ही चीज दोबारा से रिपीट करूंगा, आई रिपीट अगेन, कि भाई मेरे पास व्हाट्सएप प्रूफ्स है, मेरे पास बहुत हजार चीजों के प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ है भाई, बट मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करता, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए, मेरे घर में भी लड़की है मेरी माँ यानी कि, तो भाई मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, किसी की प्राइवेसी कभी लीक नहीं कर सकता, अच्छे घर से हूँ मैं भाई, ठीक है। और रही बात सबूत की, तो सामने वाला अगर आकर के बोलता है तो भाई मैं तो भी पर्सनली दे सकता हूँ, वो भी किसी को, कोई अगर मांगेगा ना, कोई बहुत बड़ा बंदा होगा कि हाँ भाई ये ले, तो ये दिखा दूंगा, क्योंकि वरना एडजेंट तो मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, फायदा किसका, सामने वाली पार्टी का। तो मेरा यही रिप्लाई था भाई, फाइनल रिप्लाई मेरा यही था, दैट्स इट भाई। और मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, मैं इंस्टाग्राम पे जो मर्जी पोस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं अपना मौज ले रहा हूँ, आप भी अपना मौज लीजिए लाइफ में, बिकॉज मैं 6 महीने से वीडियो नहीं बना रहा, सामने वाले लोग 6 महीने से फुल वीडियोज़ बनाते हैं, सब कुछ अपना काम वाम कर रहे हैं, बिकॉज मैं यार मैं परेशान था भाई, परेशान आदमी कोई वीडियोज़ नहीं बनाता। तो ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ, तो मैं बना करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई अब इतना अच्छा आराम से अपना ट्रिप पे घूम घाम करके आया था, मुझे रील डालनी थी ट्रिप का, ब्लॉग डालना था, उससे पहले मुझे ये डालना पड़ रहा है, ठीक है भाई, लाइफ का पार्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बोला था लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा, मैंने स्टोरी लगाई थी आज से पाँच से आठ महीने पहले, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी। अब इस बार मैं थोड़ा सा गुस्से में था, उसके लिए वेरी सॉरी, मैं लाइफ में जो मैंने गुस्से वाली पार्ट मैंने बोला, गुस्से में एक्सप्रेस करा, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोले जा रहा हूँ, क्या बके जा रहा हूँ, सिर्फ अपने बिहाफ पे इतना बोल रहा हूँ कि भाई मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे पता है। आप अगर जज करने वाले बिल्कुल परफेक्ट वाले बंदे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा मुझे जज करो या किसी और को जज करो, और मेरे को किसी से कंपेयर मत करो भाई, मैं किसी को टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये, मार्क माय वर्ड, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं अगर मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ तो नाम लेकर के टारगेट करता हूँ, उसमें ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, खाली खाली किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छी चीज़ों से कंपेयर करा करो अपने भाई को, ठीक है, चलो बाय बाय, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बस इतना ही बोलूंगा भाई, बाकी अपनी लाइफ में काम वाम पे ध्यान दो, ब्लॉग देखो अगर अच्छे लगते हैं तो, भाई को प्यार व्यार करो, सबको देखो जिसके अच्छे लगते हैं ब्लॉग उसके देखो, बाकी हाँ लाइफ में अपने दोस्तों के साथ रहो, अपने फैमिली के साथ रहो, एज यूजुअल एक ही बात बोलूंगा, टाइम स्पेंड करो अपने फैमिली के साथ, सेल्फ लव में बिलीव रखो, दैट्स इट, बस इतना ही बोलूंगा। जब बात खुद की ईगो पर आ जाती है, जब खुद की छाती पे कोई सामने वाला बंदा मतलब डंडा मार दिया या फिर कुछ भी हील रख के चढ़ जाए ना, तो सामने वाले को जवाब देना पड़ता है, डजंट मैटर फिर वो कौन है, क्या है, क्या नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बोलने के लिए आया था, बाकी मेरी बातों किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो, अदरवाइज मैंने सही बोला सब कुछ, मुझे पता है मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मुझे पता है बात, बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। चेकिंग कनेक्शन देखते हैं, नाउ गाइस वी आर लाइव, एक बार नोटिफिकेशन पहुंच जाए सब तक, फिर बात करते हैं थोड़ी सी, 5 मिनट के लिए लाइव आया, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करने के लिए आया हूं मैं। वी आर टेलिंग योर फॉलोअर दैट यू हैव स्टार्टेड अ लाइव वीडियो, हाय गाइस, नोटिफिकेशन चली गई आई थिंक सबके पास, 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, भाई आ जाओ सारे आ जाओ पहले एक बार, फिर इकट्ठे सबको बताऊँगा क्या बात हुई है, क्या टॉपिक है, क्या नहीं है अपना टॉपिक, 250 लोग आ गए, चलो अब शुरू करते हैं भाई। आपको पता मैं इन दिनों काफ़ी सारी रील्स वील्स डाल रहा हूँ, काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ, जिसको भाई प्यार से बात करनी हो प्यार समझ जाना, जिसको गाली देनी हो मेरे को पर्सनल डीएम में आकर के अपना नंबर वंबर छोड़ के गाली देना, मैं उससे पर्सनली हैंडल कर लूँगा बात, जय श्री राम भाई। मैं बता रहा हूँ आपको बात, मेरे को इन दिनों आपको पता है कि मैं रील वील डाल रहा हूँ, वो मेरी मर्जी भाई, मैं किसी के ऊपर डाल रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनली टारगेट करके नहीं डाल रहा, यू डजंट इवन नो वो कौन है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, मैं किसी की प्राइवेसी को लीक भी नहीं कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, अगर मैं किसी की प्राइवेसी लीक करने पर आया तो भाई देखो मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात, अगर स्ट्रांग हो मुद्दे की बात करनी है तो लीगली भी मैं स्ट्रांग हूँ और हर चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ उस चीज़ में, बिकॉज मैं गलत नहीं हूँ भाई, मुझे पता है मेरे साथ मेरे घर वाले खड़े हैं, अगर मेरे घर वाले खड़े नहीं होते कभी वरना इस मैटर में खास करके, किसी का नाम नहीं लेता भाई कभी भी, मेरे को लोग उल्टा पोक कर रहे हैं, मेरे नाम पर स्टोरी लगा रहे हैं और फिर मुझसे बोलते हैं कि मेरे नाम पे मैं उनके नाम पे व्यूज़ ले रहा हूँ, भाई मैं किसी को टारगेट कर ही नहीं रहा, मैं किसी को बोल नहीं रहा, तुम अपने ऊपर मत लो ये बात, ये सारी चीज़ें। सेकंड थिंग, मेरे को मेन चीज़ यही क्लियर करनी है कि भाई अगर प्रूफ की बात रही तो प्रूफ देने के लिए बहुत प्रूफ है, मतलब 100 से भी क्या 200 से भी क्या बहुत प्रूफ है मेरे पास, तो टॉपिक को अपना करो साइड, मेरे को करने तो मेरी लाइफ एंजॉय, मैं सिर्फ अपने इमोशन जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, दैट्स इट, बस इतना ही बोल रहा हूँ। भाई कह रहा है कि ठीक है इतने गुस्से में क्यों है भाई, भाई गुस्सा नहीं यार, पता क्या देखो जेन्युइन बात जो होती है ना मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो रोहन मेरे को गाली लिख करके भेज रहा है भाई, पर्सनल नंबर भेज के गाली लिख के भेज, फिर मैं बात करता हूँ तेरे से इतना, ठीक है। अच्छा सार्थक भाई ने लिखा था मैसेज ये, ठीक है, तो लॉजिकल टर्म पे मैं यही बात करना चाहूँगा गाइस, सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा गाइस, अगर बात रही प्रूफ दिखाने की तो व्हाट्सएप चैट्स पे आ जाओ मेरे से भिड़ लो, मेरे से और चैट्स पे भिड़ लो, मेरे से पेटीएम पे भिड़ लो, मेरे से और चीज़ों पे भिड़ लो, जितनी भी चीज़ों पे भिड़ना भिड़ लो, आई एम रेडी, मतलब एंड तक आई एम रेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट भाई किसी की प्राइवेसी मैं भी लीक नहीं करूँगा, तो भाई मेरे को किसी और से कंपेयर मत करो, मैं किसी को पहली बात तो उस पर्सन को टारगेट कर ही नहीं रहा हूँ मैं, हाँ भाई मैं व्यूज़ ले रहा हूँ, मुँह पे बोलता हूँ हाँ भाई मैं व्यूज़ ले रहा हूँ, मेरी मर्जी भाई, माय लाइफ मैं ले रहा हूँ, बट मेरी अगर कोई यूज़ करता तो मैं उस पर भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अपना इन्जॉय करो लाइफ में, चिल करो, मौज करो, सब कुछ करो भाई, तू
फेक अकाउंट बनाकर खुद को मैसेज कर रहा है, तो भाई बोलो ना कि व्हाट्सएप की चैट दिखाता हूँ, बोलो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाता हूँ अगर ये फेक है तो, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दिखाता हूँ व्हाट्सएप की चैट अगर ऐसी बात है तो, बट मैं नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है। और अगर सामने वाला बोलता है हाँ दिखा दो, तो भाई आई एम रेडी, ठीक है। बाकी मैं इस केस से आउट हूँ, सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ये सेम वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा भी, मैं सेम ये लाइव रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, दैट्स इट, ताकि भाई तुम रिकॉर्ड करके डालो, भेजो उससे पहले मैं ही रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था, बाकी चिल कर भाई, मौज कर, थैंक यू सो मच भाई, एंजॉय करो गाइस अपनी लाइफ में। देखो कॉज हर एक अच्छे इंसान की पॉजिटिव पीआर भी होती है, एक नेगेटिव पीआर भी होती है। आप कितने लोग मेरी कितनी क्लिप्स कहाँ कहाँ उठा करके डालते हैं, मैं किसको थोड़ा बोल सकता हूँ, कितने लोग मेरे नाम पे आज भी, मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे 5-5 लाख व्यूज गए, मैं वीडियो उठा करके डाल रखी है, तो ठीक है भाई। मैं किसी को नहीं टारगेट कर रहा, मेरी लाइफ में जो लोग पहले रिलेट करता था, जो अब रिलेट करता था मेरे साथ, अभी हुआ 1.5-2 महीने पहले सिनेरियो में, तो उसकी बात कर रहा हूँ भाई। तुम कहाँ खाली खाली किसी और से मेरे को कंपेयर कर रहे हो भाई, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट चीज़ें थी, मैंने आज तक कभी यूट्यूब पर दिखाई नहीं वो चीज़ें, सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल असी, ठीक है। तो बस भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एक ही बात बोलूँगा अगेन, आई एम सेइंग दिस इज माई फाइनल वीडियो। अगर कोई सामने रिप्लाई दे भाई, मैं अपने इमोशन लेकिन हमेशा एक्सप्रेस करूँगा भाई, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है ना यार, बंदा अपना टाइम वाइम हर चीज़ पैसा सब कुछ इन्वॉल्व कर देता है, तो अगर वो अपने इमोशन भी एक्सप्रेस कर रहा है किसी के आगे जाकर के विदाउट उसकी सारी चीज़ें बताए बिना, तो वो बंदा कोई गलत नहीं, और वो किसी को सामने लो गलत भी प्रूव नहीं कर रहा है उस चीज़ में, वो नॉर्मल अपना एक्सप्रेस कर रहा। और मैं किसी को टारगेट कर ही नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो अपनी चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है भाई, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे किसी और से कंपेयर कर रहे हो भाई। इतना ही बोलूंगा बस, मैं थक गया हूँ, मैं बोल बोल करे गाइस, क्योंकि मेरे को अच्छे अच्छे व्लॉग डाले थे, मैं कैलाश पर्वत गया था, मैं भगवान के पास वहाँ पर गया था, मेरे को वो व्लॉग डालना था, आज मुझे ये डालना पड़ रहा है। बाय बाय, जय श्री राम, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, जो लोग प्यार करो प्यार से कमेंट कर दे रहे हैं, इनको गाली लिखनी हो भाई गाली लिख के जरूर जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अब मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा आप अब भी नहीं समझो तो कब समझोगे, आप समझदार हो, आप फैसला लेने वाले हो, आप जज हो, आप समझिए, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, बाकी मैं अपनी तरफ से जो मेरा पार्ट होगा हमेशा डालता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। अब अच्छी वीडियोस के साथ मिलूंगा, कोई सरदर्द नहीं करूंगा किसी को, कोई ट्रॉमा नहीं, मैं ट्रॉमा में नहीं हूँ अब, मैं थोड़ा ठीक हूँ मैं, बाय बाय।